जब लक्ष्य बड़ा हो तो आत्मसंयम का होना जरूरी है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो मन आपको नियंत्रित करेगा और यही दुख की वजह बनेगा। जी हाँ, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। यानी आत्मसंयम ऐसा योग है जिसके द्वारा व्यक्ति बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, आत्मसंयमी व्यक्ति का जीवन सुखी होता है और दृष्टिकोण स्पष्ट, यानी सुख का दूसरा नाम है आत्मसंयम। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। प्रतिबिंब, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास साझा करने वाले हैं। जी हाँ, हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार और साथ ही होंगी राज्यों से जुड़ी सुर्खियां। नजर डालेंगे आज की गतिविधियों पर और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। जी हां, शुरुआत करते हैं खबरों से और सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने वाले हैं। शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। सम्मेलन के दौरान चर्चा में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार, कृषि तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और MSME जैसे क्षेत्रों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग शामिल है। हम बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ब्रिक्स देशों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि भारत में व्यवसाय में सहूलियत प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और महिला उद्यमियों ने भी काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ब्रिक्स देशों को अपने स्टार्टअप के बीच एक नेटवर्क तैयार करना चाहिए ताकि सदस्य देशों को एक दूसरे के अनुभवों का लाभ मिल सके। ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस भारत में हो रहे इस ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव पर एक स्टडी कर सकता है। इसी तरह इनोवेशन लेड इकोनॉमिक रिकवरी पर भी हमारे बीच उपयोगी संवाद बन सकता है। मेरा सुझाव है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम हमारे स्टार्टअप्स के बीच नियमित आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार को इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2025 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के तहत 1500 अरब डॉलर के निवेश के अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम इस साल वृद्धि दर 7.5% रहने की उम्मीद कर रहे हैं, जो हमें सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाएगी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने आगाह किया कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बावजूद महंगाई की लगातार ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चिंता का कारण बनी हुई है। उन्होंने बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए इस महीने की शुरुआत में प्रमुख नीतिगत दर में 0.50% की वृद्धि के पक्ष में मतदान करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वर्षा खाली कर दिया। वर्षा को खाली करने के बाद उद्धव का परिवार उपनगरीय बांद्रा स्थित पारिवारिक आवास मातोश्री में शिफ्ट हो गया। वर्षा के बाहर का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें सीएम उद्धव यादव का सामान शिफ्ट होते देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मातोश्री सीएम उद्धव ठाकरे का आवास है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से वर्षा में रह रहे थे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही और कहा कि उन्हें अच्छा लगेगा अगर उनकी जगह कोई और शिव सैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है। इस बीच महाराष्ट्र के चार विधायकों के साथ एक और चार्टर्ड विमान बुधवार को गुवाहाटी पहुंचा। ये चारों विधायक भी गुवाहाटी पहुंचकर शिवसेना के बागी विधायकों के साथ शामिल हो गए। ये चार विधायक चंद्रकांत पाटिल, योगेश कदम, मंजुला गावित और गुलाब राव पाटिल हैं, जो गुजरात के सूरत से होकर अन्य विधायकों की तरह गुवाहाटी पहुंचे। गावित और चंद्रकांत पाटिल निर्दलीय विधायक हैं, जबकि कदम और गुलाब राव पाटिल शिवसेना के विधायक हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति पद के लिए उनका मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ होगा। उम्मीदवारी के वास्ते समर्थन मांगने के लिए विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के लिए द्रौपदी मुर्मू के अगले एक महीने में कई यात्राएं करने की उम्मीद है। उधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहली बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के सामने पेश मुद्दों की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होंगी और समय देने की उनकी अपील को मानते हुए ईडी ने उन्हें आज पेश होने से छूट दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए सोनिया गांधी को ईडी ने 23 जून को दफ्तर बुलाया था, लेकिन सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ के लिए और समय देने की मांग की है। ईडी की तरफ से सोनिया गांधी की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें 4 हफ्तों का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। हालांकि एजेंसी ने उन्हें नए समन की तारीख अभी तक तय नहीं की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2 चरण के मुकाबलों के दूसरे एकतरफा मैच में अमेरिका को बुधवार को 4-0 से हराकर FIH प्रो लीग में अपने पदार्पण सत्र में तीसरा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने मंगलवार को भी पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से हराया था। और अब खबरें राज्यों से। देश के 4 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। 4 राज्यों में से सबसे अधिक त्रिपुरा में अगरतला जुबराजगर सुरमा और बरदोवला टाउन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की आत्माकुर, झारखंड की मांडर और दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में भाजपा और जजपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। गठबंधन ने 25 सीटों पर कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी को 22 और जननायक जनता पार्टी को 3 सीटों पर कामयाबी मिली है। वहीं 19 पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि 1-1 सीट पर आप और इनेलो ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन की शानदार जीत के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को ट्विटर के जरिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिस प्रकार विकास के पथ पर प्रदेश को निरंतर आगे ले जा रही है, जनता ने उसमें अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों और पुलिस के बीच 15 से 20 मिनट तक फायरिंग चली। पुलिस के कैंप के पास नक्सलियों ने फायरिंग की थी, जिसका जवाब पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके दिया। जानकारी के मुताबिक सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। नोएडा में कोरोना के 168 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमित लगातार दूसरे दिन 100 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि आंकड़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कुछ और महीनों के लिए प्रभारी बने रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले पैनल ने एम्स दिल्ली के अगले डायरेक्टर को पद पर नियुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर नाम मांगे हैं। डॉक्टर गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। असम में बुधवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के नए क्षेत्र में पानी भर गया। नदियों का पानी भरने से 32 जिलों में 12 और लोग मारे गए हैं और 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने के मामले में गिरफ्तार की गई मराठी टीवी एक्ट्रेस केतकी चिताले को जमानत मिल गई है। उन्हें थाने के सेशंस कोर्ट से बुधवार को जमानत मिली। एक दिन पहले ही थाने पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया था। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6 जून को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लगातार दूसरे दिन 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। और नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का आज उद्घाटन करने वाले हैं। इंडिया गेट के पास बने वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के साथ ही ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएम एक नए पोर्टल निर्यात यानी कि नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ अ ट्रेड का शुभारंभ भी करेंगे। हम बता दें, पोर्टल निर्यात को भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति और सरकारी आश्वासन समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। साथ ही पटल पर रखे गए पत्रों पर समिति की बैठक होगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की अलग अलग विषयों पर 2 बैठक होने वाली है। प्रतिबिंब फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते हम आपको दिखाते हैं मैसूरु से आई कुछ खास तस्वीरें। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मैसूरू में डिजिटल योग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तथ्य को बताया गया है। तो आप भी आनंद लीजिए इन तस्वीरों का, और ब्रेक के बाद आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हेलो इंडिया में हमारे साथ। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues, only on Sansad TV.
वाइब्रेंट भारत केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, देश की संस्कृति, विरासत और इतिहास का आईना भी है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन, त्योहारों, उत्सवों और कार्यक्रमों के जरिए जोड़ता है देश की संस्कृति से। संस्कृति, कला और साहित्य से जुड़ी और भी कई बातें देखिए वाइब्रेंट भारत रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो इंडिया में। प्रतिबिंब, अब समय हो गया है आज के इतिहास को जानने का। जी हाँ, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 23 जून के दिन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 23 जून वर्ष 1948 से ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन आधुनिक ओलंपिक का जन्म हुआ था। ओलंपिक दिवस खेलने और एक्टिव रहने का एक जश्न है। यह सभी को खेल के जरिए आगे बढ़ने और सीखने की प्रेरणा देता है। ओलंपिक दिवस शांति और संभाव की ताकत को उजागर करता है। 23 जून वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को मनाने की घोषणा की। सभी उम्र, क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं की स्थिति को विशेष पहचान दिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि ब्रिटेन की लुम्बा फाउंडेशन पूरे विश्व की विधवा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर सालों से अभियान चला रही है। दुनिया की लाखों विधवाओं को गरीबी, हिंसा, बहिष्कार, बेघर, बीमार, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं और कानून व समाज में भेदभाव सहना पड़ता है। विधवाओं के खिलाफ हो रहे इन्हीं सामाजिक भेदभाव के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को विश्व भर में मनाया जाता है। और ये तो था शालिनी आज का इतिहास। और आज का दिन वैसे भी बहुत खास है, खास इसलिए है कि आज 23 जून है और आज का दिन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। क्या है ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दो। प्रतिबिंब, ये दिन मनाया जाता है खास तौर से उन लोगों के बीच लोक सेवा के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। और इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर की लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर जोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये खास दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसके पीछे वजह ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को एक बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। इस दिवस के संबंध में जागरूकता और लोक सेवा के महत्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थाओं की नवीन उपलब्धियों और सेवाओं को मान्यता देकर लोक सेवाओं में नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा देता है और उन्हें पुरस्कृत करता है जो सतत विकास के पक्ष में दुनिया भर के देशों में अधिक कुशल और अनुकूल लोक प्रशासन में योगदान दे रहे हैं। प्रतिबिंब, हम कई बार बात करते हैं हमारे राष्ट्र के नायकों की, क्योंकि उन नायकों की वजह से आज हमारा देश इस ऊंचाई पर पहुंचा है। तो राष्ट्र के नायक कड़ी में आज हम आपको रूबरू कराएंगे देश के एक ऐसे नायक से जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज राष्ट्र के नायक में प्रतिबिंब हम किसकी बात करने वाले हैं? राष्ट्र के नायक सीरीज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। 23 जून वर्ष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर कारावास में रहस्यमय तरीके से निधन हुआ।
ये एक प्रखर राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1939 में ये हिंदू महासभा से जुड़ गए और इसी साल इन्हें महासभा का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया। जम्मू कश्मीर को लेकर इनका नारा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी भारत में कश्मीर के संपूर्ण विलय के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे। उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान के अनुसार कोई भी भारत सरकार से बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। डॉक्टर मुखर्जी ने इस प्रावधान का विरोध करने के लिए बिना परमिट लिए जम्मू और कश्मीर जाने की योजना बनाई। नतीजतन पंजाब और जम्मू और कश्मीर की सीमा बनाते हुए बीच से बहती रावी नदी के पुल से इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में ही तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो आज वर्तमान में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सत्ता केंद्र में है और जिसके नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 से, पहले इस पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था और जनसंघ के निर्माण में भी जो है मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो गुरु गोलवलकर के पास गए थे, संघ के सरसंघचालक थे। वो नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए संघ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कन्विंस किया कि राष्ट्र की धारा को जो है मजबूत बनाने के लिए राजनीति में आना आवश्यक है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की कहीं ना कहीं स्थापना की थी। बिल्कुल प्रतिबिंब, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि भी है और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्विटर पर संदेश दिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले मुखर्जी जी जीवन पर्यंत मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहे। उनके सिद्धांतवादी आदर्श चिरकाल तक हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश को प्रेरणा देते रहेंगे। और प्रतिबिंब अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज की पॉजिटिव न्यूज़ की। जी हाँ, केरल के कोझिकोड से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर किसी को ना सिर्फ प्रेरित करने वाली है बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश करने वाली है। प्रतिबिंब, दरअसल केरल में एक 2 साल के मासूम को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया और जिसमें सिर्फ 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ऐसे वक्त में 5 साइकिलिस्ट इस मासूम की मदद करने के लिए आगे आए और उन्होंने एक खास मुहिम चलाकर इसकी मदद की। जी हाँ, वो मुहिम इसलिए चलाई है कि ताकि वो मासूम जिंदगी और मौत की जंग को जीत सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। साइकिल पर सवार ये 5 साइकिलिस्ट, ये नजारा किसी प्रतियोगिता का नहीं बल्कि एक खास मकसद से की जा रही मैराथन का है। जी हाँ, साइकिल पर सवार ये 5 युवा मोहम्मद इवान नाम के एक छोटे से बच्चे की जिंदगी और मौत से जंग में साथ दे रहे हैं। दरअसल केरल के कोझिकोड में रहने वाला 2 साल का मासूम बच्चा SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक खतरनाक बीमारी से ग्रसित है जिसके इलाज के लिए करीब 18 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में बच्चे की मदद के लिए ये 5 युवा सामने आए जो केरल और उसके आसपास के राज्यों में जाकर मैराथन और दूसरे जरियों से मासूम बच्चे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। दिस मूवमेंट बाय दिस यंग ब्रदर्स कैन कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ आवर गोल व्हिच इज 18 करोड़ व्हिच इज हाईली अप्रिशिएबल एंड आल्सो वन थिंग दैट We've only gained achieved 10-20% of the goal, and we're left with limited time. With the hope, we all can do it. A cute boy, Muhammad Iban of Paleri, a rural village near Kuchera town of Kozhikode district, Kerala state, is affected with SMA, spinal muscular atrophy. As we know, the doctors advise for the treatment of the SMA. But the difficulty is that it needs 18 crore rupees for the boy's treatment. Luckily, the people around this town has gathered from the hearing of the advice from the doctors to collect 18 crore rupees from people around Kerala and above. जिस तरह मोहम्मद इवान की मदद के लिए ये लोग प्रयासरत हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है।
ऐसे में यही उम्मीद है कि 2 साल के मासूम इवान के लिए की जा रही कोशिश न सिर्फ कामयाब हो बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। शालिनी, तुमने गांधी जी के 3 बंदर देखे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। वो इसलिए ये है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हम अच्छी चीज़ें समाहित करते हैं अपने हेलो इंडिया कार्यक्रम में कि थोड़ी सी सकारात्मकता आए लोगों में और जीवन थोड़ा सा उनका बदल जाए। और यही एक खबर थी कि किस तरीके से एक बच्ची को बचाने के लिए युवक सकारात्मक रूप से पहल कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, ऐसी खबरें कहीं ना कहीं हम सभी को प्रेरणा देती हैं कि हम कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ें, किसी की मदद करें और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी ऐसी बातें एक अच्छा असर डालती हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर हमारे देश को बढ़ाती हैं। जी हाँ, और अब बात कर रहे हैं तंत्र की। तंत्र हमारी पुरातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है और ऋषि मुनियों ने तंत्र की रचना आत्मरक्षा के लिए की थी, लेकिन लोगों के मन में तंत्र को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी रहती हैं। प्रतिबिंब और हमारा एक विशेष कार्यक्रम है इतिहास, और इतिहास की आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि तंत्र का सही अर्थ क्या है, कैसे तंत्र ईश्वर से संपर्क करने का एक माध्यम है। साथ ही बात करेंगे कश्मीर और बंगाल के तंत्र की। Tantra has not been always very clearly understood. Tantra has often been misunderstood. There are wrong impressions about Tantra. We will learn a little bit more about Tantra. What is the tantric worldview? The tantric worldview is basically, it roots itself with the notion of cosmic biunity. There is Shiva, self-luminous, and then you have Shakti. Shakti is responsible for creation, for the manifestation of the entire universe. What the tantric devotee does is really to centralize the fragmented energies into the central channel of his yogic body. Dr. Vivek Debroy ke saath itihas mein is baar dekhiye Tantra Mukti ka Vigyan, aaj raat 9:30 baje sirf Sunset TV par. तो इस तंत्र की बात सुनते ही जो है झुरझुरी छूट रही है, मैं भी ये जो है प्रोग्राम जरूर देखूंगा। बिल्कुल प्रतिबिंब, और जैसा कि पहले भी कहा हमने कि तंत्र को लेकर लोगों के मन में बड़ा संशय है कि आखिर ये है क्या, तो आप बिल्कुल ज़रूर देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम इतिहास, डॉक्टर विवेक डेबरॉय के साथ तंत्र मुक्ति का विज्ञान। जी हाँ, तो ये संसद टीवी पर आज रात 9:30 बजे अपनी जो हमारी लोकप्रिय सीरीज है इतिहास, उसमें ये आप देख पाएंगे। और इसके अलावा हेलो इंडिया को आप टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार देख सकते हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को ज़रूर फॉलो करें और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का, सुझावों का इंतज़ार रहता है। और अब समय है विदा लेने का। बिल्कुल प्रतिबिंब, और जाते जाते हमने ये अपील तो आपसे कर ही दी है, तो इसीलिए आप ज़रूर फॉलो करें और साथ ही साथ हैशटैग हेलो इंडिया के साथ आप अपने सुझाव भी ट्विटर पर हमें दे सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।